अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का एक्टिविटी नंबर 2.10। ठीक है, तो बच्चों उस एक्टिविटी में हमको क्या करना है, हमको इस एक्टिविटी में एसिड में वाटर मिलाना है और बेस में वाटर मिलाना है। ठीक है, एसिड और बेस में, यानी कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है या कॉन्सेंट्रेटेड बेस है उसमें क्या करने वाले हैं हम, उसमें हम मिलाने वाले हैं वाटर। ठीक है, तो मतलब डाइल्यूट करने वाले, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। मतलब जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है उस एसिड के अंदर वाटर का कंटेंट बहुत कम है, मतलब प्योर एसिड है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है बच्चों वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आर वेरी करोजिव एंड पॉइजनस, है ना, अगर स्किन पे गिर गया वो तो स्किन हमारा जल जाएगा, है ना, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल करते हैं। डाइल्यूट का मतलब क्या, उसमें पानी को मिक्स करते हैं। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो, यानी कि वाटर का कंटेंट बढ़ा रहे हो, तो आपको कैसे करना चाहिए, यानी कि डाइल्यूशन कैसे करना चाहिए। डाइल्यूशन का मतलब क्या, एसिड में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी का मिलाना, या कॉन्सेंट्रेटेड बेस में, हमारा जो बेस होता है अगर वो भी कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब वाटर का कंटेंट बहुत कम है, प्योर अमाउंट में है, तो वो भी करोसिव है, उससे भी नुकसान हो सकता है, हमारा स्किन जल सकता है, इसीलिए हम उसमें पानी मिला के रखते हैं, डाइल्यूट करके रखते हैं। और ज़्यादातर हम जो इस्तेमाल करते हैं लैब में वो डाइल्यूट एसिड को यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पे जो मेरे पास एसिड है डाइल्यूट H2SO4, ये डाइल्यूट है, मतलब इसके अंदर पानी का कंटेंट मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जो HCl है हमारे पास, ये HCl भी हमारा कैसा है, डाइल्यूट है। तो हमको क्या करना है, ये डाइल्यूट एसिड बनाते कैसे हैं वो देखना है, और इसके लिए क्या प्रिकॉशन है, कैसे करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये बीकर है, इस बीकर में मैं सबसे पहले बेस, हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस है कौन सा, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है ना, सबसे खतरनाक बेस, और इसका पीएच जो होता है वो कितना होता है, 14 होता है ना, और ये कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब एकदम ओरिजिनल है। ये पैलेट के फॉर्म में, छोटे छोटे पैलेट के फॉर्म में है, मैं इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये पैलेट के फॉर्म में है। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में मैं मिक्स कर रहा हूँ। मैं भाई इसको टच नहीं करूँगा क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होने वाला है, तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अभी थोड़ा कैमरा को नज़दीक लाइएगा, अभी आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे इनके बीच में देखो देखो ये क्या हो रहा है, फास्ट तेज़ी से रिएक्शन कर ले रहा है। ठीक है, मैंने ऊपर पकड़ रखा है, अभी टच करके देखो क्या, अभी टच करो, गर्म हो गया ये, मतलब हीट हो गया ये, मतलब क्या, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। अभी नॉर्मली मैं आपको शो तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप जब लैब में करना तो आप देखना, इसको जैसे टच करोगे तो इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है। तो टेम्परेचर बढ़ गया है मतलब हीट वहाँ से निकल रहा है, हीट जो है ना यहाँ से निकलना चालू हो गया है। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या, ऐसा प्रोसेस जहाँ से हीट निकलता हो, जहाँ से एनर्जी निकलती हो, यानी कि वो चीज़ गर्म होने लगेगा। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम क्या करें, किसी कॉन्सेंट्रेटेड बेस को मिलाएं तो पानी में मिलाएं, यानी कि देखो मैंने पानी में मिलाया, ठीक है, और पानी में मिला देने के बाद धीरे धीरे इसको स्टर करना है। तो जैसे जैसे आप स्टर करोगे, देखो एक्सोथर्मिक है, पहले तो असल में मिला नहीं था, अभी धीरे धीरे इसको आप मिक्स करोगे तो यहाँ से हीट रिलीज होता जाएगा और ये गर्म होता जाएगा। देखो गर्म हो रहा है, तो इसको क्या करना है, स्टर करते रहना है। जैसे एसिड की अगर मैं बात करूँ मैं, तो वो भाई तो और ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। तो अभी मैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा बीकर लिया है मैंने, ठीक है, पानी का कंटेंट, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ पानी का कंटेंट। ठीक है, ये इतना काफ़ी है। तो मैं अभी ले लेता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो ज़रा वो एसिड दीजिए वहाँ से, वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ये देखिए ये नाइट्रिक एसिड है भाई, जो कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, अब इसको निकालूंगा ना तो ही आप देखिएगा कि निकालते ही यहाँ से हीट रिलीज होता है, इतना एक्सोथर्मिक होता है, मतलब क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, मॉइस्चर है, और उससे रिएक्शन करके ये क्या बना देता है, ये देखो ज़रा नज़दीक ला के दिखाएं कि किस तरह यहाँ से देखो धुआं निकल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, ये देखिए आप। तो इसको भाई ऐसे, ये वाटर है ना, तो कभी गलती नहीं करूँगा, ऐसे डाल दूंगा,
कभी गलती नहीं करूंगा, वरना क्या होगा, ये ऐसे डायरेक्ट मेरे मुंह पे आएगा, पूरा मेरा मुंह जला देगा. इट कैन स्प्लैश आउट एंड इट कैन बर्न आवर फेस. सो दैट्स व्हाई आपको ये प्रिकॉशन रखना है कि हमेशा क्या करना है, आपको एसिड को पाउडर में मिलाना है. कभी भी पानी एसिड में मत डालना, कभी भी पानी को एसिड में नहीं मिलाना है. अगर हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो कभी भी पानी को एसिड में नहीं, जैसे ही पानी को एसिड में मिलाऊंगा ये पूरा आ जाएगा मेरे मुंह पे और पूरा मेरा पूरा मुझल जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है. इसलिए याद रखना, हमेशा पानी में मिलाएंगे क्या, एसिड. पानी में एसिड मिलाएंगे, पानी में एसिड. क्यों? क्योंकि बेटा ये जो हमारा एसिड होता है ना, ये हाइड्रोफिलिक होता है. हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लव. हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, मतलब वाटर को इससे बहुत ज्यादा प्यार होता है. तो जैसे ही आप वाटर को ऐसे रखना चाहोगे, ये फटाक से उड़ेगा और वाटर के पास आना चाहेगा. तो जैसे ही उड़ेगा, व्हेन इट विल स्प्लैश आउट, तो हमारे बर्न हमारे फेस पे आएगा और हमारा फेस जल सकता है, बर्न हो सकता है. इसलिए ऐसा गलती कभी नहीं करना. और जब ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को आप डाइल्यूट करोगे, ऐसे डायरेक्ट रखना नहीं है, बिल्कुल नहीं, एकदम ड्रॉप वाइज, धीरे 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 ड्रॉप वाइज, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर होता है. देखो अभी अभी आप देखो यहाँ पे, यहीं पे धुआं निकलना चालू हो गया. ये देखो किस तरह से धुआं निकल रहा है, दिख रहा है भाई? अभी देखो यहाँ, थोड़ा नज़दीक लाइए. अभी देखो यहाँ पे मैं ड्रॉप वाइज डाल रहा हूँ. देखो एक एक ड्रॉप करके धीरे धीरे ड्रॉप ड्रॉप करूँगा, ठीक है, धीरे 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 ड्रॉप ड्रॉप करके करूँगा और फिर इसको स्टर करता रहूँगा, स्टर करता रहूँगा. अब यहाँ ध्यान दो आप, कैसे किस तरह यहाँ से पूरा धुआं निकल रहा है. देखो ध्यान से किस तरह धुआं निकल रहा है. तो ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है भाई, इसको क्या करना है, एकदम ड्रॉप वाइज करना है और स्टर करते रहना है, स्टर करते रहना, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, हीट रिलीज होता है. और थोड़ा दूर रहना है ताकि आपके फेस पे ना आए, क्योंकि भाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. अभी देखो टच करके देखो, अभी देखो आपको यहाँ धुआं दिख रहा रहेगा, किस तरह धुआं यहाँ से निकल रहा है, देख रहे हो, पूरा नोटिस करो आप, स्मोक टच करो, ओ माय गॉड बहुत हीट हो गया. इसको टच करने से भी टच नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ठीक है. तो याद रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि जब इसको मिक्स करें हम, तो कैसे करें, स्टर करते रहें. जैसे मैंने लिया ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है भाई, अब मैं एक ड्रॉप डालूंगा, देखो किस तरह से स्मोक निकल रहा है. एक ड्रॉप डाला फिर स्टर करूंगा, ये देखो किस तरह निकल रहा है, देख रहे हो, ड्रॉप डाला फिर स्टर किया, फिर ड्रॉप डाला फिर स्टर किया, ठीक. तो आप देख रहे हो कि किस तरह से यहाँ पे जब हम कर रहे हैं, तो किस तरह से मुझे क्या, देखो कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है, आप देख रहे हो क्या, नोटिस कर रहे हो क्या, ओ माय गॉड मुझे इससे दूर रहना होगा अभी. तो इस तरह से हमको क्या करना है, इसको स्टर भी करते रहना है, यानी कि मिलाते रहना है, इसको बार बार हिलाते रहना है और एक एक ड्रॉप वाइज डालना है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक. अब टच करके देखो इसको, ओ टेम्परेचर इसका बहुत बढ़ गया है, ठीक है. तो क्या देखा हमने कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. अगर डाइल्यूशन की बात करूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, कि अगर मैं डाइल्यूशन की बात करूँ, डाइल्यूशन का मतलब क्या, मिक्सिंग ऑफ वाटर, ठीक है. डाइल्यूशन का मतलब क्या, मिक्सिंग ऑफ वाटर, ठीक है, उसको बोलते हैं डाइल्यूशन. तो एसिड में जब डाइल्यूट करेंगे तो क्या रखेंगे भाई, याद ध्यान रखेंगे हम कि वाटर में हम लोग, वाटर के अंदर हम लोग एसिड को डालेंगे, याद रखना. मतलब एसिड को वाटर के अंदर डालना है, वो भी कैसे है, ड्रॉप वाइज, ठीक है, विद स्टरिंग, स्टर करते करते. क्यों भाई? क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक है. अभी जो हमारे, जैसे देखिए, मान लो मैंने HNO3 लिया था, नाइट्रिक एसिड, ठीक. अब ये वाटर से रिएक्शन करता है और ये H और ये H2 मिलकर बना देता है H3O+, ठीक है, H3O+, और यहाँ से बहुत ज़्यादा हीट निकलता है. ये एसिड हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है तो हीट निकलता है. तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस. क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज हो. तो इसलिए डाइल्यूशन करते टाइम, चाहे आप स्ट्रॉन्ग एसिड का, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का, या कॉन्सेंट्रेटेड बेस का डाइल्यूशन करते रहो, यानी कि करते वक्त, यानी कि पानी मिलाते वक्त, आपको ध्यान रखना है कि हमेशा एसिड या बेस को पानी में मिलाएंगे, ना कि पानी को एसिड या बेस में मिलाएंगे. और एसिड बेस को जब पानी में मिलाएंगे तो स्टर करते हुए ड्रॉप वाइज, ठीक है. नहीं तो हमारे लिए ये नुकसान हो सकता है, हमारा चेहरा, हमारा स्किन, मतलब आप वहाँ पे रोग हो सकता है, पूरा ब्लास्ट हो जाए, एक्सप्लोज भी हो सकता है, क्योंकि भाई वो खतरनाक एसिड है. तो इस बात का हमको ध्यान रखना है. मॉइस्चर में भी, एटमॉस्फेयर में भी हमारे मॉइस्चर रहते हैं, वो उससे भी रिएक्ट कर सकता है. तो ये थी भाई एक्टिविटी किसकी, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस.